राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पहले चरण के मतदान से इतर जनता से बात करते हुए उनसे अपने अधिकारों का उपयोग करने और लोकतंत्र के महान पर्व में अपना वोट डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है और यह वोट भारत का भाग्य सुनिश्चित करने वाला है। साथियों, हमारा अमरोहा कोई साधारण जगह नहीं है। माँ गंगा के तट पर स्थित ये धरती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की साक्षी रही है। ये धरती राजा गज सिंह और ठाकुर जयराम सिंह जैसे वीरों की भूमि है। मैं जो जनसमूह देख रहा हूं, आपका ये उत्साह दिखाता है। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो दो कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी
यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, 26 अप्रैल को चुनाव में एक बड़ा अवसर आने वाला है। आपको मेरे साथी भाई कंवर सिंह तंवर को रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद में मेरी मदद करने के लिए भेजना है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के चुनाव अभियान के अंतर्गत केरल के शोरानूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केरल की जनता से भाजपा का समर्थन करने की अपील की और दावा किया कि उनकी पार्टी का विश्वास है कि केरल और देश का विकास हो। उन्होंने कार्यक्रम में भाजपा नीत केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा भी की और कहा कि 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। Ladies and gentlemen and friends from the media, print media and electronic media. Here I would also like to share with you that this is an election which is not only an election where you elect Shri C. Krishna Kumar. This is an election where you decide that India has to become a developed nation under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. This is the issue of election. Here also, I would like to share with you that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, the country has seen a sea change of development. And for that, it becomes essential for the people of Kerala, the God's own country, the land of Adi Shankaracharya, the land full of vigor, vitality, the land which we consider the land of conscience. You have to support the right type of party and the right type of leader for participating in the development process of India and making India a developed nation under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. Bharatiya Janata Party, which is a leadership where we are trying to see to it that God's own country Kerala should develop and come forward, where we believe that under the leadership of Prime Minister Modi, India should become self-reliant, Atmanirbhar Bharat. And because of that, the policies undertaken by Prime Minister Modi is for the development and for infrastructure. If I talk about infrastructure, I would like to share with you that within 1 year, this year itself, for roads, for highways, for Grameen Sadak, and for airways, and for railways, 10 lakh crore rupees are being spent for the infrastructure, 10 lakh crore rupees in 1 year. The same way, in the past 9 years, 60% of national highways are being constructed. 74 airports have been constructed in last 9 years, and 380,000 kilometers of rural roads have been built. 380,000 roads. You will be happy to share, I will be happy to share with you, 10 years back, India was considered to be a fragile economy. India was considered to be an economy which did not have any stability. Today, under the leadership of Prime Minister Modi, India, which was on the 11th largest economy, has taken a long leap, and now India is the 5th largest economy of the world, 5th largest economy. Here I would also like to share and request you that you elect C. Krishna Kumar and make Prime Minister Modi the Prime Minister for the third time.
एंड इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ वुमेन आर हियर इन दिस पब्लिक रैली. फॉर 30 years we kept on asking for women reservation, Nari Shakti Vandan Vidhyak. For 30 years, for political reasons, the Nari Shakti Vandan Vidhyak was not passed. Under the dynamic leadership and the decisive leadership and the progressive leadership and the fast action taking spirit of Prime Minister Modi, decided, and within 3 days, Nari Shakti Vandan Vidhyak was passed. And 33% of reservation in state parliament and in central parliament has been passed. In the next Lok Sabha, 33% women will be getting the representation in the parliament. And in the next Vidhan Sabha election in Kerala, you will be having 33% reservation for the women. This has been done. I am here to request all of you that please send C. Krishna Kumar to Delhi and participate in the national movement where under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we will be making the NDA government third time and India will take go forward, will take a long leap. That is why I have to share with you. This is what I have to say. Thank you very much for giving me a very patient hearing. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया. लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने आज भारत के बाकी प्रदेशों में हो रहे प्रथम चरण के चुनावों में जीत का दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में यही भाव है कि जो राम को लाए हैं उन्हें वापस लाना है. उन्होंने इस अवसर पर जनता से द्वितीय चरण के चुनाव में उनकी पार्टी को समर्थन देने की अपील की और सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए विभिन्न कार्यों की चर्चा भी की. इस पावन धरा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि के रूप में भी चुना था, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं. बहनों और भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है. 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चिंत है. बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था. पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. और बहनों और भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है. बहनों और भाइयों, जो ये माहौल पूरे देश के अंदर है, आज द्वितीय चरण के मतदान के ले आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग बुलंदशहर में आए हैं. जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चिंत हैं कि कमल खिलेगा, डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं. यह हमारा दायित्व भी है. मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है. और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है. बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है. और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी. बहनों और भाइयों, और अगले वर्ष महाकुंभ है. महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे, बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में, और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए.
इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, यहां की ब्लैक पॉटरी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, आज आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और बुलंदशहर के लिए तो कहना ही क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब यहां के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहां के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं पे आएगा, यहीं पे बगल में। आप सोचो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम यहीं बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहां की बेटी पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती, तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। बहनों और भाइयों, समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व है, चुनाव के दिन पोलिंग करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, डॉक्टर भोला सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, श्री अनिल शर्मा हमारे विधायक हैं, यहां के बघेल और मीना की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिसंकल्पित हैं, लगातार लगे रहते हैं। और बहनों और भाइयों, जब ये सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कार्य करते हैं, तब हम परिणाम देते हैं, परिणाम देते हैं। यहां पे श्रीमती बिमला सोलंकी भी यहां पे काम कर रही है आपके क्षेत्र में। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आप सबका आह्वान करूंगा, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, चुनाव के दिन भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, तो बहनों और भाइयों, कमल चुनाव चिन्ह पर, और वह तो इस बार तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर के देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं। डॉक्टर भोला सिंह को विजयी बनाएंगे ना भारी बहुमत से, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, फुलफिलिंग प्रोमिसेस विद आवर प्रोफेशनल टीम एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स इन पास्ट, वी गारंटी यू पीस ऑफ माइंड एंड टॉप क्वालिटी वर्क इन एन अफोर्डेबल प्राइस। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण के बीच सरगुजा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे में 18 घंटे कार्य करने वाले और जनता की चिंता करने वाले राजनेता ही नहीं, एक गरीब परिवार के बेटे भी हैं। चुनावी आह्वान के तहत उन्होंने कार्यक्रम में राज्य सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर जनता को राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के अतिरिक्त आने वाले समय में घर घर बिजली और पानी के बाद हर घर गैस कनेक्शन पहुंचाना भी सरकार का लक्ष्य है। मैं सबकर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला नमन करत हूं, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के ऐतिहासिक काम कर दिन, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला मोर जोहार नमन। और मैं तो यही आप मन से कहे बर आए हूँ कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल आप मन देखे हा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने। पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से
140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी, आज ये चुनाव 2047 तक हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है, और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं, भारत के संसद में जाएं, और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हूँ। और अभी 100 दिन से कुछ ज़्यादा होते सरकार के, आप मन के सरकार के, और ये 100 दिन में हमर छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहन, बहुत वादा ला पूरा करे के प्रयास करे हन। जमे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 2 साल के बकाया बोनस, 12 लाख से ज़्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत दे हन, और अंतर की राशि 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया वो भी दे के काम करे हन। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदू पत्ता के खरीदी 5,500 प्रति मानक बोरा, ओकर भी सरकार आर्डर कर चुकी से। तो ये सारा मोदी के गारंटी के काम ये 3 महीना में साय हो से कि नहीं। और अभी हमार प्रधानमंत्री फिर से संकल्प पत्र जारी करी से मोदी की गारंटी 2024, उसमें और बड़े बड़े काम होना है, 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनना है, जैसे घर घर बिजली पहुंची, इस घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा थे, उसने घर घर रसोई के गैस भी पाइप के द्वारा पहुंचाए के हमार प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। तो ये सारा बहुत और अच्छा अच्छा काम आने वाला 5 साल में होने वाला है, इसलिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन से मैं यही निवेदन करते हुए कि हमारे सरगुजा संभाग के मान और सम्मान आप मन के हाथ में है, आपके सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भी एक सांसद के सहयोग हो, ऐसा आप मन से आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबंध में चल रहे घटनाक्रम के बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी का पक्ष रखते हुए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रशासन की आलोचना करते हुए मीडिया में प्रचारित किए गए डाइट चार्ट को झूठा बताया और आरोप लगाया कि डायबिटिक होने के बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रशासन के द्वारा इंसुलिन मुहैया नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि जेल के नियमों के मुताबिक किसी कैदी की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल का डाइट चार्ट सार्वजनिक होना अपने आप में प्रश्न खड़े करता है। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से, बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं,
डायबिटिक है आज से नहीं 30 साल से, इंसुलिन लेते हैं, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। 21 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से भाजपा दिल्ली प्रदेश मंदिर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम में न केवल भाजपा के सातों लोकसभा प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे बल्कि देश भर के 5,000 संत और 31 महामंडलेश्वर एवं शंकराचार्य भी आएंगे। ये हमने हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम रखा है और इसका विषय हम अपनी संस्कृति की बात रखना चाहते हैं पूरे विश्व में। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के अनुसार अब पूरे विश्व के अंदर अप्रैल के महीने में हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जाया करेगा। हम भी अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष कब है, अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। इन चीज़ को लेकर के जैसे दूसरे धर्म के लोग ईद एक बार मनाते हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर या 1 जनवरी को जो मनाया जाता है उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, और हमारे भारत के अंदर तो अप्रैल का पूरा महीना इतना पवित्र होता है जिसमें नवरात्रे भी होते हैं, हनुमान जयंती भी होती है, हमारा जो अम्बेडकर जयंती भी होती है, हमारे महावीर जयंती भी होती है, सभी जो बड़े बड़े हमारे सनातन से निकले हुए सब धर्म हैं उन सब के पर्व जो है अप्रैल में मनाए जाते हैं। इसलिए अब हम हर साल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हिंदू नववर्ष महोत्सव के रूप में मनाया करेंगे। 21 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, और उसमें हमारे बहुत ही सनातनी बड़े बड़े सिंगर रघुवंशी जी, अनिता जैन जी, मिश्रा जी, बहुत बड़े बड़े जो सनातन पे हमेशा गाते हैं वो सब आ करके भगवान राम के, शिवा के सब गाने गा करके हम हिंदू नववर्ष मनाएंगे और अपनी संस्कृति को बताएंगे कि हिंदू नववर्ष की क्या महत्वता है, अपने बच्चों तक, अपने युवाओं तक उस बात को पहुँचाएंगे। और उसके साथ साथ 21 तारीख को विश्व की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है, हनुमान चालीसा, सब लोग खड़े होकर के हनुमान चालीसा करेंगे। इसमें तकरीबन 35,000 लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आई है और जिस तरह की हमारे संतों ने, महामंडलेश्वरों ने कल्पना की है, 51,000 लोगों के साथ हम इकट्ठे खड़े होकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे हनुमान चालीसा का। और हमारे सातों प्रत्याशी दिल्ली प्रदेश के 31 इस बड़े महामंडलेश्वर वहाँ पर रहने वाले हैं, पूरे देश के 31 बड़े महामंडलेश्वर और एक सतगुरु जी रहने वाले हैं, शंकराचार्य जी रहने वाले हैं, सब बड़े बड़े तकरीबन वहाँ पर 5,000 संत रहने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं, आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।